हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम और 12th के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें तो आता ही आता है। अब तो ये ओलंपियाड लेवल पे भी आने लग गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। वो मैं बताऊंगा कौन सी एक सिली मिस्टेक होती है, अच्छे अच्छे बच्चे कर देते हैं, तो आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ। है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन एक मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक से बचना है। चलिए पहले इसके बेसिक को समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखूं 7:3/5, तो आप बोलोगे सर एक मिक्स फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है? मिक्स, क्योंकि कुछ पार्ट इसका इंटीजर है और कुछ पार्ट इसका फ्रैक्शनल है। पहले तो मुझे ये बताओ, आप 7:3/5 को अपनी लाइफ में 7×3/5 समझते हो या 7+3/5 समझते हो? ठीक है, तो जो बच्चे 7+3/5 कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो बच्चे 7×3/5 कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। 7×3/5 नहीं होता है, फिर तो ये 7×3=21/5 हो गया, जो कि गलत है। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 5×7=35+3 38/5 हुआ ना, ये 21/5 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मिक्स फ्रैक्शन की जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कम है, तो ऐसी फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आज के बाद इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं ना 4:2/7, तो ये 4+2/7 है, ये 4×2/7 आज के बाद लाइफ में कभी मत समझना। और होता ही है 4+2/7, तभी तो आप 7×4=28+2 30/7 कह रहे हो ना। लॉजिकली वो क्या है, 7 LCM आया, 7×4=28+2 30/7। ठीक है जी, अब ये बेसिक आई थिंक सबको कवर हो गया होगा और आता भी होगा कई बच्चों को। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो बच्चे इसको इंटू समझते हैं ना, वो 999 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ही ले सकते हैं आप, ऐसे कॉमन नहीं। अगर ये इंटू होता ना 997×1/7 997×2/7, फिर तो ले सकते थे कॉमन, लेकिन ये इंटू नहीं है ना, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है। दिस इज ए मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज ए मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज, तो आप ऐसे कॉमन ले सकते, क्योंकि बीच में इंटू का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। आइए अब इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो ये जो 999+1/7 है, ठीक है, और ये 999+2/7 है, इसको माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपको करवा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये 999+3/7 है, और ये 999+4/7 है, ये 999+5, ये वाला कह रहा हूं, ये यहां तक पहुंच चुके हम, +5/7 है, और लास्ट क्या है, 999+6/7। अब हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग से ऐड कर लेते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से ऐड कर लेते हैं। तो 999 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि लॉजिकली 999 को आपने 6 टाइम्स ऐड करना है, यानी कि 999 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया? 5994। तो आप लॉजिकली यूं भी सोच सकते हैं, हर 999 को 1000 मान लीजिए, 1000 को 6 टाइम्स ऐड कीजिए तो 6000 आ गया, लेकिन ये 999 को 1000 माना है, जबकि है तो ये 999, यानी कि 1 1 कम भी करना है ना, तो 1 1 कम कितनी बार? 6 बार, क्योंकि 6 बार 999 है, तो 6000 में से 6 माइनस करोगे तब भी तो 5994 आएगा, या आप 999×6 करोगे तब भी 5994 आएगा। तो ये तो सारे जितने भी ये 999 है ना, इनको 6 टाइम्स ऐड करके आ गया, क्या आ गया? 5994। लेकिन अभी फ्रैक्शनल पार्ट भी तो ऐड करने हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं ऐड करूं, बहुत ही सिंपल है, सारे के डिनोमिनेटर में क्या है? 7 ही है, 1/7+2/7+3/7+4/7+5/7, तो एलसीएम लेने की जरूरत क्या है? तो नीचे तो 7 ही है, तो ऊपर वालों को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 1+2+3+3+6+4+10+5+15+6=21, और सबके नीचे क्या है? 7, तो 21/7 हो गया ये, और 5994
5994 प्लस 21/7 क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 5997। ठीक है जी, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है और इजी भी है, लेकिन जो स्टूपिड मिस्टेक होती है कॉमन वाली, वो आप आई थिंक अब कभी नहीं करोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।